हेलो स्टूडेंट्स, द नोटबुक एस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम कुछ नया शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डेली फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसको मैं यहाँ पर डेली आपको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। आज से हम शुरू करने वाले हैं कुछ नया। नए में क्या होगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं, शॉर्ट न्यूज़ जो बेसिकली होते हैं और जो कि आपके वन डे एग्जाम के लिए, पीसीएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से रेलेवेंस रखते हैं, तो उन सारे छोटे छोटे न्यूज़ को जो कि दोनों ही पेपर में आए होंगे, द हिंदू में प्लस इंडियन एक्सप्रेस में, उसको हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो में क्या कर दे, उसको बिल्कुल डिस्कस कर दे। तो आपको एक बहुत अच्छा कम समय में इफेक्टिव क्रक्स भी मिल जाएगा। बिल्कुल इतना बड़ा पेपर होता है, उसको सारे पेपर को गो थ्रू करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए अभी से हम लेकर के आ रहे हैं। ये जो क्लास है वो चलेगी कंटिन्यू, और अभी हम आज तो है न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है, और अगले जितने भी हमारी क्लासेस बढ़ते जाएंगे तो उसमें हम एडिशनल फैक्चुअल डाटा भी क्या करेंगे उसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लासेस हुआ करती थी जहाँ पर एक स्टैटिक जो करंट का न्यूज़ होता था और उसके पीछे स्टैटिक कुछ बैकग्राउंड होता था, तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छा जो है वो फैक्चुअल डाटा भी प्रोवाइड करा पाएँ। लेकिन आज जो है बेसिकली करंट अफेयर्स का जितना भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे हम। पहले सबसे पहले अपना हाईलाइट देख लेंगे और हाइलाइट्स के बाद में हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे न्यूज़ को डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है अभी एलिफेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर जो केरला है उसमें एक डाटा क्या सर्वे जो है वो किया गया था, और यहाँ पर पता चला है कि 8 सालों में लगभग 800 एलिफेंट्स की तो डेथ हो गई है। अब यहाँ पर जब एलिफेंट्स की डेथ की बात आती है तो आपने आपके दिमाग में वो इंसिडेंट आता है कि एलिफेंट्स के जो हाथी था, जो कि गर्भवती हाथी थी, उसके जो मुंह में क्रैकर रख के जला दिया गया था। तो इस तरीके के इंसिडेंट आपके सामने आते हैं कि शिकार होता होगा, पोचिंग बहुत ज़्यादा होती होगी, इस वजह से हाथियों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती होगी। लेकिन यहाँ जो ये मुद्दा है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो ये मुद्दा है क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लस हाथियों के अंदर एक बीमारी निकल करके आ रही है जो कि उनके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, अलग हट के यूनिक तरीके का कुछ मुद्दा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इन्वायरमेंट में से क्वेश्चन बन सकता है, साथ के साथ में जो डिजीज है उसके भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो क्या कारण से होता है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं हाथियों के ऊपर में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अगली जो न्यूज है, केरला टू टेक एक्शन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन द ओपन। यहां पर बिल्कुल अलग तरीके का और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव केरला गवर्नमेंट लेने के लिए जा रहा है। यहां पर खुले में जो भी डंपिंग करेगा गार्बेज की, यानी कि कूड़े कचरे जो भी खुले में डालेगा, उसके ऊपर हाई पेनल्टी प्लस साथ के साथ में उसके वाहन के रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हटा दिए जाएंगे। इस तरीके का कुछ एक्शन प्लान जो है वो केरला गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रही है। तो अपने आप में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाल ही में कौन सा स्टेट इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहा है, और इसमें बहुत एक एनवायरमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी यूजफुल ये जो है पूरा टॉपिक है। तो आपको जब मेन्स की आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप यूपीएससी में, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर बात की जा रही है कि सपा एंड बीएसपी स्लैम ऑर्डर टू कांवर रूट। अभी बेसिकली यूपी के मुजफ्फरपुर में आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि मुजफ्फरपुर जो है वहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने क्या किया है, कांवर यात्री जो हैं जिस रूट से होकर के गुजरेंगे उस रूट में हर दुकानदारों को अपने मालिक का नाम, प्रोपराइटर का नाम जो है वो शो करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर एक नया मुद्दा निकल करके आया है कि एक पर्टिकुलर किसी धर्म को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, साथ के साथ में अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल का भी एंगल है, साथ के साथ में समाज की हारमोनी जो है वो बिगाड़ने से भी रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। इसको देखेंगे हम कि मुद्दा क्या है और इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये अगला जो टॉपिक है ये है डिसीजन ऑन ड्राफ्ट बिल ऑन जॉब फॉर लोकल एट नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग से सिद्धारमैया। कर्नाटका गवर्नमेंट बेसिकली एक नई तरीके की अपनी जो है वो ड्राफ्ट बिल लेकर के आई थी जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर 50% जो है कर्नाटका के जो लोकल लोग होंगे उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा जॉब के अंदर में। इस बिल का बहुत ज्यादा अपोज हुआ है और जो भी इंडस्ट्री वगैरह है उन्होंने भी अपोज किया है। इस वजह से साथ के साथ अपोजिशन पार्टी के अपोज की वजह से क्या किया गया है, अभी फिलहाल इस बिल को जो है वो रोक दिया गया है और बात बोली गई है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सारे इश्यूज को देखा जाएगा और फिर बात की जाएगी कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे कौन कौन से एंगल इससे जुड़ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है पब्लिक सेंटर वाइज नीट यूजी रिजल्ट बाय टुमारो। तो यहाँ पर जो है
सुप्रीम कोर्ट ने जो एनटीए है उसको बिल्कुल ऑर्डर दिया है कि आपको कल क्या कर देना है, सैटरडे 12 बजे आपको क्या कर देना है, सेंटर वाइज नीट के जितने भी बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं उनका रिजल्ट जो है बिना उनकी आइडेंटिटी रिवील किए सेंटर वाइज बिल्कुल आपको डाटा शो करना है। तो क्यों पर्टिकुलर सेंटर वाइज डाटा शो करने के लिए बोला गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगली जो न्यूज़ है, 2 killed 31 इंजर्ड इन ट्रेन डीरेल इन यूपी गोंडा। तो सबको मालूम होगा कि यूपी के गोंडा में फिर से एक ट्रेन हादसा हो गया है और वहाँ पर क्या हो गया है कि ट्रेन की जो पटरियां हैं वो डीरेल हो गई हैं, पटरी से उतर गई हैं, 2-3 जो हैं कोचेस वो पलट भी गए हैं, इसमें 2 लोगों की जान चली गई है और बहुत सारे लोग क्या है इंजर्ड हैं। तो ये बार बार अभी आप देख रहे हैं कुछ महीनों में या फिर आप पूरे साल उठा करके देख लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और इसकी वजह से कवच जो योजना है, कवच जो एक सिस्टम है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। फिलहाल इसके लिए कमेटी बिठाई गई है, क्या रीज़न थे उसके बारे में बात की जाएगी। तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर एलिफेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो डंपिंग गार्बेज से रिलेटेड कोई कानून बनाने जा रहे हैं या फिर कांवर यात्रा में इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो सारे टॉपिक्स को एक एक करके चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस न्यूज़ के साथ में। बेसिकली ये जो न्यूज़ है ना संविधान के 2 आर्टिकल के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठाती है। एक तो यहाँ पर बात की जा रही है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है ना, तो आर्टिकल 25 to 28। दूसरी बात की जा रही है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत। अब ये जो दोनों टॉपिक हैं या ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं इसी के ऊपर, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा मुद्दा चल रहा है। साथ के साथ में यहाँ पर बात की गई है कि क्या राज्य इस तरीके का कोई काम कर सकता है जिससे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक कोई कम्युनिटी है जिसको धर्म के लिए कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए आप दूसरी कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें हो रही हैं। तो मुद्दा क्या है कि यूपी का जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अभी क्या किया था, एक सर्कुलर जारी किया था, एक ऑर्डर जारी किया था कि इस रूट से जितने भी कांवर यात्री गुजरेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो करने की जिम्मेदारी है प्रशासन की, और ये इस रूट में जितनी भी दुकानें होंगी उन दुकान के जितने भी मालिक हैं उनको क्या करना होगा, अपना नाम जो है और प्रोपराइटर का नाम जो है वो दुकानों में लगाना होगा। अभी जो भी नाम रखते थे जिससे कि क्लियर नहीं हो पाता था कि ये हिंदुओं का दुकान है या फिर ये मुस्लिमों का दुकान है, अब क्या किया गया है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जो जो दुकान होगी उसके मालिक का नाम, प्रोपराइटर का नाम जो है वहाँ पर क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। और इसकी वजह से पूरा मुद्दा जो है वो पूरे देश में ही क्या हो गया है, गर्म हो गया है, क्योंकि अलग अलग अपोजिशन पार्टी ने भी इसका अपोज किया है। साथ के साथ बीजेपी, चूँकि आपको मालूम है यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पर जो हमारे नकवी जी हैं वो भी जो है एक बीजेपी पार्टी से ही आते हैं, बट उन्होंने भी इस सारे ऑर्डर को क्या किया है, निंदा की है उसकी एक तरीके से। उन्होंने बोला है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये जो चीज़ें, ये जो कानून, ये जो ऑर्डर एक तरीके से लाया गया है इसकी वजह से अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट होगा। क्यों यहाँ पर, क्योंकि पर्टिकुलरली बोला गया है, ऐसा पुलिस प्रशासन का मानना यह है कि पिछले साल जो कांवर यात्रा थी उसमें कुछ निकल करके आया था मामला ऐसा कि कुछ हिंदू धर्म के लोग हैं जिन्होंने बोला था कि हमें पता नहीं था कि मुस्लिम की दुकान है और हमने वहाँ से जा करके कुछ खा लिया या फ्रूट्स ले लिए, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है ना वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया है बेसिकली, और कोई प्रशासन पर्टिकुलर किसी एक धर्म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उसके कंफर्ट के लिए किसी दूसरे धर्म के ऊपर में क्या कर रहा है, इस तरीके का मामला लगा रहा है। अगर बात की जाए कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, तो हमने देख लिया कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 25-28 का मामला है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हम जुटाने की कोशिश करें तो एक यासीनवाद आया था 1950 में, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था यहाँ पर इसी मुजफ्फरनगर में एक यासीन करके व्यक्ति थे जो कि कम पढ़े लिखे थे लेकिन एक क्या काम करते थे, वो ऐसे ही सब्जी वगैरह का रेडी लगाने का काम करते थे, और उनके साथ में क्या किया गया था कि कॉरपोरेशन, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी वहाँ की, उन्होंने क्या किया था, टैक्स वसूलने की बात की थी कि सड़कों के किनारे आप ठेले नहीं लगा सकते, इस तरीके का कुछ मुद्दा था। और इसकी वजह से ये जो यासीन साहब थे वो क्या गए थे, कोर्ट में गए थे। तो कोर्ट में जाने के बाद में जब उन्होंने यहाँ पर राइट टू एक्यूपेशन का मामला जो है वो दायर किया था, तो अभी ये जो पूरा सिनेरियो है जो कांवर यात्रा से रिलेटेड है मुजफ्फरनगर का, इसमें आपने 2 चीज़ें तो देख ली कि आर्टिकल 25-28 राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 17, एक और मुद्दा निकल करके आ जाता है आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 आपको क्या बोलता है, आर्टिकल 19 कहता है कि आर्टिकल 19 में आपके बहुत सारे सब क्लॉज हैं और उसमें बोला गया है कि आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन आप चुन सकते हैं,
सकते हैं। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, और इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कि वो अपने दुकान का नाम क्या रखेगा, ये पुलिस प्रशासन या फिर जो सरकार है वो डिसाइड नहीं करेगी। ये उस आदमी का अपना क्या है, एक तरीके से कहना चाहिए राइट टू वर्क है, राइट टू ट्रेड है, जिसको वो खुद डिसाइड करेगा कि उसके दुकान का क्या नाम होना चाहिए, वो किस तरीके से उसको रन करेगा। तो ये जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे भी इस मुद्दे को पूरा देखा जा रहा है फिलहाल में, और ये 1950 का वाद जो है वो याद भी रखिएगा, इसको भी यहाँ से आपके लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या पूरा मुद्दा है हमने इसको समझ लिया, इसी तरीके से हम डेली क्या करेंगे शॉर्ट न्यूज़, उसके साथ कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है आपसे पूछी जा सकती हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है ये बेसिकली बात कर रही है केरला के बारे में, केरला टू टेक एक्शन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो आपसे बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने जो गार्बेजेस होते हैं, जो कूड़े कचड़े होते हैं, उसको डंप करने के खिलाफ में कानून बनाया है। और ये कानून बनाना बेसिकली कानून नहीं है, एक तरीके का एक्शन लेने की बात की गई है। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि अभी जो है सीवर जो क्लीनिंग का काम करते हैं जो लोग, जो कि बिल्कुल गंदे गटर वगैरह में उतर करके जो लोग काम करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, और उसके बाद से ही ये चीज़ें निकल करके आई कि वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए केरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो यहाँ से आपके PCS में भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट PCS में भी, कि हाल ही में कौन से राज्य ने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है। और अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दो चीज़ें इससे होंगी, एक तो कोई व्यक्ति जो है जो कि इस तरीके का काम करने के लिए मजबूर है उसकी भी लाइफ सिक्योर होगी, कि कूड़ा कचड़ा वगैरह किसी इंसान को दूसरे लोग फेंकते हैं और किसी व्यक्ति को जस्ट बिकॉज कि उसके पास आय का कोई और साधन नहीं है उसको वो काम करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि एनवायरमेंट बहुत क्लीन रहेगा, तो क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन सारी चीज़ों से भी बचा जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा ना, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, नदियाँ होती हैं, झील वगैरह होती हैं, उसमें भी लोग क्या करते हैं, कूड़ा कचरा फेंक करके आते हैं, तो वहां का इकोसिस्टम भी खराब होता है, जो अंदर में मछलियां रह रही हैं वो भी प्रभावित होती हैं, और उन मछलियों को जो कंज्यूम कर रहे होते हैं वो लोग, उनकी भी हेल्थ प्रभावित होती है। तो हेल्थ के दृष्टि से, एनवायरमेंट की दृष्टि से, सैनिटेशन की दृष्टि से, हर तरीके से क्या है, साथ के साथ में राइट टू वर्क की दृष्टि से, हर तरीके से ये जो बिल है या जो ये जो एक्शन है अपने आप में एक लैंडमार्क जो है वो सेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट बना है, तो केरला जो है इस तरीके का इनिशिएटिव रहा है। और बेसिकली इसमें एक्शन क्या लिया जाएगा, एक्शन ये लिया जाएगा, कठिन मतलब कहना चाहिए कि कड़े कानून रहेंगे, जो व्यक्ति अगर ऐसा करते हुए पाया गया, बेसिकली हर जगह पे CCTV कैमरे लगे रहेंगे, और जो व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसके गाड़ी का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है, रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, इस तरीके की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं केरला गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी इस बात को लेकर के बहुत स्ट्रांग अपना होल्ड रख रही है और स्ट्रांग एक्शन लेने की बात कर रही है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बन सकता है आपसे इस तरीके का, प्लस आप अपने आंसर राइटिंग में भी इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है ये है, ओवर 800 एलिफेंट डाइज इन केरला इन 8 ईयर्स। तो यहाँ पर ये इस न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि पिछले 8 साल में केरला में ही जो है एक सर्वे किया गया और उसमें निकल के आया कि 2015 से लेकर के 2023 तक में लगभग 800 जो है हाथियों की डेथ हुई है। अब जब हाथी की डेथ होती है यहाँ पर, और केरला जो है वो मोस्ट हाथियों के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, बट जब हम ये सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में पहली न्यूज़, पहला जो क्वेश्चन है यही आता है कि हो सकता है कि शिकार की वजह से पोचिंग की वजह से इनके साथ में ये चीज़ें हो रही हों, या जो हाथी जो है वो क्या करते हैं, मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हों। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो अलग है, बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल सही हैं कि शिकार वगैरह होता है या फिर मारे जाते हैं, फसलों की बर्बादी करते हैं, तो किसान भी इनको बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, बट यहाँ पर जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ये जो 800 एलिफेंट्स की डेथ की बात आई है, ये बेसिकली 10 साल से छोटे उम्र के जो हाथी होते हैं, बिल्कुल यंग जो बच्चे हैं हाथी के, उनके अंदर में ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल कर के आ रही है और उनकी डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है। ये छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है। और इनकी डेथ हो क्यों रही है, तो एक डिजीज़ है, इस डिजीज़ का नाम क्या है, EEHVHD। ये बेसिकली जो है EEHVHD, याद रखिएगा, आपसे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि पर्टिकुलर ये डिजीज़ जो है वो किस से संबंधित है, किस जानवर से या किस पशु से संबंधित है, ठीक है ना। अगर आपका फुल फॉर्म दिया है तब तो आप पहचान जाएंगे कि ये एलिफेंट से रिलेटेड है, बट अगर केवल डायरेक्ट यही पूछ दिया गया कि EEHVHD किससे रिलेटेड है तो आप नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एलिफेंट एंडोथेलियोरोट्रोफिक
इसका फुल फॉर्म क्या है? एंडियोथेलियोट्रॉफिक हर्पेस वायरस, ये याद रखिएगा, पहले तो नाम बहुत डिफिकल्ट सा है। और हेम्योरेजिक डिसीज़, हेम्योरेजिक डिसीज़ कहने का क्या मतलब है? बेसिकली ये EEHV HD जो है, जिसका इतना बड़ा नाम है, इसका जो बेसिकली ये हाथियों में होने वाला डिजीज़ है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो डिजीज़ है, ये जो वायरस है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हाथी होते हैं उनमें रक्त स्राव जो बहुत ज़्यादा होता है, अगर उनको कोई चोट लगती है तो ऐसे घाव बन जाते हैं जिनमें खून कंटिन्यूसली बहता रहता है, वो भरता नहीं है, और इसकी वजह से एट द एंड क्या होता है, हाथियों की डेथ हो जाती है। और ये जो पूरी बीमारी है वो होती क्यों है? ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि जो मदर से एंटीबॉडीज़ जो बच्चों को मिलने चाहिए, जो कि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए या फिर इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है, वो उनको नहीं मिल पाता है। साथ के साथ में क्या इशू है? इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम जो है हाथियों का, जो है बच्चे जो हैं उनका, बहुत ख़राब होने की वजह से ये EEHV HD जो है वो डिज़ीज़, यानी कि हेमरोजरिक जो डिज़ीज़ है, हेमोरेजिक जो डिज़ीज़ है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है हाथियों के अंदर में। अब मेन मुद्दा क्या है कि ये डिज़ीज़ तो हो रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बताया गया है हाथियों के हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनका कम होना, उनका एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए मजबूर होना, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो क्या कर लिया है, लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और उनको चारा जो है, फॉडर जो है वो नहीं मिल पा रहा है। और साथ के साथ में क्लाइमेट का रिस्क, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या हो रहा है, उनके अंदर में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, उनका इम्यून सिस्टम कम हो रहा है, उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो ख़त्म होने की वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। और इसकी वजह से जो है हाथियों के शरीर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये जो डिजीज़ हो रही है उसको वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की वजह से हाथियों की डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है। तो आपसे क्लियर कट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बीमारी की वजह से हाथियों की सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है, तो ये है EEHV HD। इसका फुल फॉर्म क्या है एक बार फिर बोल देती हूँ मैं, एंडोथेलियोट्रॉफिक हाइपर वायरस हेम्योरेजिक डिसीज़। ठीक है, बड़ा सा नाम है, याद रख लीजिएगा। और साथ के साथ में हाथियों से रिलेटेड है, प्लस उनके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और कारण क्या क्या है, उनका हैबिटेट जो है वो ख़त्म होना। और स्पेशली ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बीमारी है वो एशियन एलिफेंट्स में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, यानी कि एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर जितने भी एलिफेंट्स पाए जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है इस बीमारी के लक्षण देखे गए हैं, और इसकी वजह से इनकी डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है। अभी इसके लिए क्या किया गया है, तमिलनाडु में एक एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, यानी कि EDAF बनाया गया है। ये जो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है, ये भी याद कर लीजिएगा कि अभी जो हमने इतना जो डाटा देखा कि हाथियों की डेथ हो रही है, ये केरला से रिपोर्ट निकल करके आई है, लेकिन ये जो एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है ये किसने बनाया है, तो ये तमिलनाडु ने बनाया है। तो आपसे अलग अलग फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है करंट से रिलेटेड, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके थ्रू पता लगाया जाएगा कि कितने हाथियों की डेथ हो रही है, उसके उनके डेथ के कॉज क्या है, और उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है, डिसीजन ऑन ड्राफ्ट बिल ऑन जॉब्स फॉर लोकल एट नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग से सिद्धारमैया, कर्नाटका के जो ये सीएम हैं, और इन्होंने अभी एक बिल लेकर के आए थे। ये बेसिकली जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, इंडस्ट्री वाले सेक्टर हैं, वहाँ पर जॉब में 50% रिजर्वेशन जो है वहाँ के कर्नाटका के लोकल लोगों को देने के लिए ये जो ड्राफ्ट बिल है वो लेकर के आया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अपोज होने की वजह से अभी इसको होल्ड पर डाला गया है। और अभी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम जो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके क्या इश्यूज हैं उनको सुना जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर में काम करेंगे। तो बेसिकली ये न्यूज़ क्या थी, बेसिकली इसमें प्रोविजंस क्या थे कि यहाँ पर जो 50% जो कर्नाटका के लोग होंगे उनको क्या किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर में जॉब दी जाएगी। यहाँ पर बात की गई थी कि 50% जॉब जो है, जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, मैनेजिंग वाले पोस्ट, मैनेजर वाले पोस्ट, वहाँ तक के लिए है, और 70% का रिजर्वेशन जिसमें कम स्किल की ज़रूरत है, कम मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत है, ऐसी पोस्ट में 70% जो है वहाँ के लोकल लोगों को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, और इसका बहुत ज़्यादा अपोज हुआ है। अब अपोज होने के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। देखिए, हो सकता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट में लोकल जो लोग हैं, आम जनता जो है, वो उतनी टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस ना हो, और उसकी वजह से अगर 50% लोगों को या मैनेजमेंट के फील्ड में उतनी एडवांस ना हो, और वहाँ पर कंपलसरी हो गया है कि उनके लोकल लोगों को ही शामिल करना है इंडस्ट्री के अंदर में, तो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कितनी गिर जाएगी? अगर मान लीजिए 50% लोगों को वहाँ पर मैनेजर बना के बैठा दिया गया या फिर बड़े पोस्ट दे दिए गए जिनको नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा, और उनके कंपेरिजन में और अच्छे लोग हायर
हायर किए जा सकते थे, तो इससे कंपनी की परफॉर्मेंस तो गिर जाएगी। तो कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है, वो डेफिनेटली क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। साथ के साथ में इतना परसेंट रिजर्वेशन किसी लोकल एरिया में दे देना, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला एंगल आ जाएगा कि वहाँ पर जो है अलग अलग राज्य जो है वो अपने यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देने के लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर से ही वो 50% इंदिरा साहनी वाला केस जो है वो मामला उठ करके आएगा और फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल निकल करके आएंगे। तो फिलहाल अभी आपको याद ये रखना है कि कौन सी गवर्नमेंट इस तरीके का ड्राफ्ट बिल लेकर के आई है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट। इनका नाम क्या है, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024 जो है कर्नाटका गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर में बात की जा रही है कि लोकल जो वहाँ के लोग होंगे उनको 50% to 70% का रिजर्वेशन देने की बात की गई है, ठीक है। और इसको नेस्कॉम फिक्की जैसी कंपनियों ने, साथ के साथ में किरण मजूमदार जो कि बहुत फेमस एक तरीके से व्यक्ति हैं, उन्होंने भी क्या किया है, इनका अपोज किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में। अगली जो ये बात है, ये आप सभी को मालूम होगा कि गोंडा में, यूपी के जो गोंडा है यहाँ पर, ये बेसिकली दिखाई दे रहा है कि ये बरेली, लखनऊ यहाँ पर, उसके बाद में आपको ये गोंडा दिख रहा है, फिर देन आगे आपको गोरखपुर। तो ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर गोंडा में जो है, और डिब्रूगढ़, असम, चंडीगढ़ से असम के बीच में जाने वाली जो ट्रेन है वो क्या हो गई थी, डीरेल हो गई थी, और इसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हुए। अब मुद्दा ये नहीं है कि कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग इंजर्ड हुए, मुद्दा ये है कि जो कवच जैसा सिस्टम है वो आया हुआ है हमारे यहाँ पर, और उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा रेल एक्सीडेंट्स फ्रिक्वेंटली क्यों हो रहे हैं, ठीक है। कंपनसेशन देना अलग बात है कि गवर्नमेंट ने जो डेथ किए हुए लोग हैं उनको 10 लाख रुपीज़ और 50,000 जो इंजर्ड हैं उनको देने की बात की है, बट ये चीज़ें निकल करके क्यों आ रही है इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो रिसेंट अभी ये है कि इसके ऊपर में जो कमीशन है वो बिठाई जाएगी, जाँच की जाएगी कि किस वजह से ये पूरी दुर्घटना हुई है, और अभी बजट भी पेश होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाएगा आने वाले जो बजट होगा उसमें, और कितना फंडिंग आती है गवर्नमेंट या नहीं बढ़ाती है रेलवे के अंदर सुधार करने के लिए, इसको हम देखेंगे ज़रूर, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है ये बात कर रहा है नीट यूजी के बारे में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है एनटीए को कि जल्द से जल्द आप क्या कर लीजिए, सैटरडे को 12 बजे तक आप सारे जो रिजल्ट हैं उसको पब्लिक कर दीजिए। यहाँ पर 23.3 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था, और इसमें बात ये निकल करके आई है कि सेंटर वाइज डाटा जारी करने की बात की है कोर्ट ने। सेंटर वाइज डाटा क्यों जारी करने की बात की है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि लगभग 67 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 जो है वो मार्क्स मिले थे, ऐसा एलिगेशन लगाया गया था, जबकि एनटीए का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट 17 से 18 बच्चे जो हैं यहाँ पर, 17 कैंडिडेट्स ही केवल ऐसे हैं जिनको फुल मार्क्स मिले हैं। तो ये जो एलिगेशन है इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, इसके लिए बोला गया है कि सेंटर वाइज डेटा जारी करिए। और ये भी एलिगेशन लगा था कि एक ही सेंटर में कई सारे बच्चों को फुल मार्क्स मिले हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि ये जो एलिगेशन है वो सही है या नहीं। साथ के साथ में एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में तो अभी बात नहीं की गई है कि क्या जजमेंट होगा, लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि एनटीए को बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है वो ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी, इसको कल हम क्या करेंगे और जो न्यूज़ होगी उसको डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में ये छोटा सा आज मिनी ट्रेलर था समझ लीजिए, कल से जो भी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ में जो भी एक्स्ट्रा मैं फैक्चुअल चीज़ें आपको दे सकती हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो नोटबुक का इस चैनल की अगर आपको पहल अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।